हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 का मैच नंबर 6 हम लोगों को देखने को मिलेगा 14 अप्रैल को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में। रात को 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और सारे नेटवर्क के ऊपर आप लोगों को ये मुकाबला लाइव देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में दोनों ही टीमों की करेंट फॉर्म के बेसिस पर, पिच रिपोर्ट के बेसिस पर, इनकी परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, इसके साथ ही इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, पूरी मैच प्रिडिक्शन के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से आरसीबी और एसआरएच के इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें करंट फॉर्म की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम एक तरफ जहां अपने ओपनिंग मुकाबले में मुंबई इंडियंस यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस को एक बहुत ही क्लोज मुकाबले में हराकर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए तो इस टीम को अपने पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से एक करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में एक टीम जीतकर आ रही है, दूसरी टीम हारकर आ रही है, तो यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोमेंटम के हिसाब से। अब गाइज, अगर बात की जाए पिच रिपोर्ट की, पिच किस तरीके की रहने वाली है, तो सबसे पहले तो बारिश की कोई भी यहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि आपको पूरा 20-20 ओवर का मैच देखने को मिलेगा। इसके साथ ही चेन्नई की जो पिच है, हम देख रहे हैं कि यहां पर टाइम के साथ साथ बैटिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, यानी कि चेस करना यहां पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बॉल थोड़ा सा रुक कर आ रही है और यहां पर एवरेज स्कोर भी सिर्फ 164 रन का ही है। तो ऐसे में बीसीसीआई की साइड से रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको बैटिंग के लिए थोड़ा सा इजी बनाया जाए, यानी कि इस पिच को बैटिंग के लिए थोड़ा सा इजी बनाया जाए। तो देखने वाली बात होगी क्या इस पिच पर हमें कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर एक बार फिर से ये पिच गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार साबित होती है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की। लेकिन इससे पहले मैं इनकी प्लेइंग 11 बताऊं, अगर आप लोगों ने प्लेइंग 11 अभी तक नहीं बनाई है माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के ऊपर, तो मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। इस एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग आज होने वाले आईपीएल 2021 के मुकाबले में लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं, जहां पर आप लोग वीवीएस लक्ष्मण और सौरभ गांगुली के अगेंस्ट टीम बनाकर खेल सकते हैं। अब तो इस एप्लीकेशन के ऊपर रणवीर सिंह भी आ चुके हैं, तो आप लोग इस ऐप के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते ही आपको 1500 रुपए का बोनस मिल जाता है। इसके साथ ही हमारे सब्सक्राइबर होने के नाते आपको 20% का एडिशनल कैशबैक भी मिलेगा, जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए है। इसके साथ ही इस पर दिए गए लीडर बोर्ड को अगर आप लोग टॉप कर जाते हैं तो 2 करोड़ रुपए तक की प्राइसिंग आप लोग यहां से जीत सकते हैं। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए और अभी इस पर टीम बनाकर लाखों करोड़ों रुपए अर्न करने का चांस जरूर जीतिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। अब गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, तो आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 में इस बार देवदत्त पार्टिकल ऐड हो चुके हैं, यानी कि पार्टिकल और विराट कोहली आप लोगों को ओपन करते हुए नजर आएंगे नंबर 3 की पोजीशन पर। रजत पाटीदार इसके साथ ही नंबर 4 की पोजीशन पर होंगे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 की पोजीशन पर एबी डिविलियर्स, नंबर 6 पर डेनियल क्रिश्चियन, नंबर 7 की पोजीशन पर होंगे वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पर कायल जेमिसन, नंबर 9 की पोजीशन पर हर्षल पटेल, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 की पोजीशन पर होंगे युजवेंद्र चहल। शाहबाज अहमद इस मुकाबले में बाहर किए जा सकते हैं देवदत्त पाटीकर की जगह पर, क्योंकि लास्ट मुकाबले में हमने देखा था आरसीबी के पास उनके अलावा भी बहुत ही सारे बॉलिंग के ऑप्शंस हैं, 7 बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास हैं और मैक्सवेल भी 1-2 ओवर बॉलिंग करके दे सकते हैं। तो ऐसे में आरसीबी की टीम इन चेंजेस के साथ आप लोगों को उतरते हुए नजर आ सकती है। अब गाइज, अगर बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की, तो इनकी टीम से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे इनके कैप्टन डेविड वार्नर और उनके साथ ही रिद्धिमान साहा। नंबर 3 की पोजीशन पर होंगे मनीष पांडे, नंबर 4 पर होंगे जॉनी बैरिस्टो, नंबर 4 पर हालांकि केन विलियमसन को चांस दिया जा सकता था लेकिन जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से यही निकल कर आ रहा है कि वो अनअवेलेबल हो सकते हैं। नंबर 5 की पोजीशन पर इस मैच में जरूर प्रमोट किए जाएंगे अब्दुल समद, नंबर 6 की पोजीशन पर प्रियम गर्ग, नंबर 7 पर विजय शंकर। इसके साथ ही बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो नंबर 8 पर मोहम्मद नबी की जगह जेसन होल्डर देखने को मिल सकते हैं, जिन्होंने लास्ट सीजन इनके लिए काफी ज्यादा कमाल किया था। नंबर 9 की पोजीशन पर होंगे राशिद खान, नंबर 10 पर भुवनेश्वर कुमार और उनके साथ ही नंबर 11 पर होंगे टी नटराजन। अब गाइज, अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बाद फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें आईपीएल की हिस्ट्री में हेड टू हेड की, तो इन दोनों ही टीमों के बीच में अभी तक हमें 18 मैचेस देखने को मिले हैं, जहां पर आरसीबी की टीम ने 7 मुकाबलों में बाजी मारी है तो एसआरएच की टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबले का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, यानी कि यहां पर एसआरएच की टीम भारी पड़ती है आरसीबी के ऊपर। अब
अगर बात की जाए लास्ट सीजन के आईपीएल यानी कि आईपीएल 2020 की, तो इन दोनों ही टीमों के बीच में जो दो मैचेस हुए थे उसमें दोनों ही टीमों ने एक एक मैच जीता था। लेकिन गाइस करंट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो आरसीबी की टीम थोड़ा सा आगे नजर आती है एसआरएस से, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस को हरा कर आ रहे हैं और उनकी बैटिंग यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। इसके साथ ही बॉलिंग ने भी लास्ट मुकाबले में काफी अच्छा किया था, लेकिन एसआरएस की टीम केकेआर के खिलाफ उनकी बॉलिंग नहीं चली थी जो कि उनकी स्ट्रेंथ है, और उनकी बैटिंग भी यहां पर उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नजर नहीं आई थी अगर एक दो परफॉर्मेंस को छोड़ दिया जाए तो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।